हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। हम स्पेशली हम लड़कियां चाहते हैं कि हमारी जो स्किन हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एक ग्लो रहे, बिल्कुल हेल्दी स्किन रहे। लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं करते। हम जो भी मिलता है खा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब दिन भर फोन पे लैपटॉप पे लगे रहते हैं। मतलब इसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है, हमारी हेल्थ रहती है, बहुत ख़राब हो जाती है। फेस पे कोई ग्लो नहीं रहता। आप देखेंगे आजकल जो टीनेजर्स रहते हैं उनके फेस पे भी आपको ग्लो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो हैबिट होती है उसकी वजह से हमारी स्किन बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही बढ़िया फेस मास्क लगाई हूँ, जिसे आपको बहुत आसान है बनाना। और सबसे खास इसको लगाने से आपके टैनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके फेस पे जो लाइन फाइन लाइन जैसे बोलेंगे उस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करके आपके स्किन पे बिल्कुल टाइट बनाएगा और आपके स्किन पे ग्लो ला करके देगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बढ़िया से हमें फेस पैक को बनाना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम चीज़ लेंगे वो है बेसन। बेसन हमें एक चम्मच के करीब लेना है और उतनी ही क्वांटिटी में हम मुल्तानी मिट्टी लेंगे। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी भी जैसे मैंने यहाँ पे एक चम्मच के करीब बेसन लिया, तो सेम उसी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। हल्दी हम लेंगे थोड़ी सी, हल्दी जी आधे चम्मच से नहीं, थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम जो इसमें लास्ट चीज़ जो अपनी ऐड करेंगे, या आप जैसे बोलूँ जो मेन हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। जी हाँ, और सबसे पहले बात करूँ तो मैं अब तो आप भी जानते हैं कि बेसन जो होता है बहुत अच्छा हमारे स्किन को क्लिंजिंग का काम करता है, रंग निखारता है। ऑप्शन में तो बहुत यूज़ होता है बेसन का। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करती है और हमारे फेस पे जिनको बहुत ज़्यादा दाने होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में ठंडक ला के देती है। और हल्दी तो रंग निखारती है। बात करो एलोवेरा जेल की, तो एलोवेरा जेल जो होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। स्किन को नरिश करता है, रिजुविनेट करता है आपकी स्किन को, पिंपल एक्ने इन सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एलोवेरा जेल जो है हम इसमें इसकी डबल क्वांटिटी डालेंगे। जैसे हमने दोनों चीज़ को एक एक चम्मच के करीब डाला था, तो एलोवेरा जेल हम इसमें दो चम्मच के करीब डालेंगे। जी हाँ, एक चम्मच मैंने इसमें डाला, एक चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे रोज़ वाटर डाल करके। आप चाहे रोज़ वाटर की जगह जो सादा पानी आता है या नॉर्मल वाटर जो होता है फिल्टर वाटर, आप वो भी डाल सकते हैं। और हम इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। जी हाँ, फेस पैक आप देख सकते हैं हमारा बनके तैयार हो गया है। और इसका जो टेक्सचर है उसे बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं रखा है, आप तो आपको भी इसी तरीके से इसे रखना है, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। और ध्यान दें जब आप इसे लगाएं तो आपका जो फेस है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी तरीके का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपको इस मास्क को लगाना है। आप अगर अच्छा होगा आप इसे बनाकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे क्या होगा आपके फेस को ठंडक मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको कामिंग इफेक्ट आएगा आपके फेस पे। तो बस इसी तरीके से आपको अपने फेस पे लगाना है। इस तरीके से आपको अपने फेस पैक को लगा करके छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनटों के लिए। जब ये ड्राई हो जाए तब आपको वॉश करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसके पूरा सूखने का इंतजार ना करें, क्योंकि अक्सर हम ये करते हैं कि हमारा जो फेस पैक, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जब पूरा फेस पैक पूरा ड्राई हो जाए तब हम इसे धोएं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, फेस पैक एक्स्ट्रा ड्राई हो जाता है तो आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, फाइन लाइन्स या रिंकल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब आपका फेस हल्का सा सूखा हो जाए, मतलब हल्का सा नम रहे, तभी आप इसको धो ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 15 से 20 मिनटों के लिए हम इसे लगा करके छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आप फेस मास्क जो मैंने इसे लगाया था वो आप देख सकते हैं वो ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट, तो मैं इसे अपने वॉश कर लूंगी। दोस्तों, मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरा जो हाथों का रंग है कितना ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा है सिर्फ एक बार के एप्लीकेशन से। जी मैंने सिर्फ एक बार लगाया है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं एक हफ्ते तक तो आप देखेंगे जैसे मैंने बताया आप खुद फर्क नोटिस करेंगे, मुझे कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप इसे एक हफ्ते तक कंटिन्यू यूज़ करके देखिए। और जी हाँ, अगर आप टीनेजर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने जैसे मैंने बताया 20s 30s में तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव फेस मास्क है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ हमेशा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।